सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू बाटी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइस आज के इस नोड के अंदर मैं आप लोग का HDR फेस स्मूथ के लिए लाइटरूम फीचर आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से गाइस आप लोग केवल लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ही अपने फेस को हाई क्वालिटी के अंदर मतलब स्मूथ प्लस व्हाइट कर सकते हो। लेकिन कैसे कर सकते हैं वो आप लोग मतलब इस वाला वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इस वाला वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा, और वीडियो का मतलब एक भी पार्ट पसंद आता है तो आप लोग इस वाला वीडियो को एक लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो फिर चले बिना देरी करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग को यहां पर क्या करना होगा, मतलब आप लोग को अपने फोन में लाइटरूम एप्लीकेशन को यहां पर इस टाइप से ओपन कर लेना होगा। और गाइस अब यहां पर आप लोग को नीचे के एरिया में मतलब एक ऐड फोटो नाम से ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस वाला ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग को मतलब जिस फोटो को एडिटिंग करना होगा आप उस वाला फोटो को सिंपली यहां पर ऐड कर लीजिएगा, और अपने मतलब पिक्चर को भी यहां पर ऐड कर लीजिएगा। तो वेल गाइज मैंने यहाँ पर क्या किया, मतलब इस वाला मतलब फेस स्मूथ प्रोसेसर को भी ऐड कर लिया हूँ, और अपने फोटो को भी गाइज यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो वेल सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, इस वाला प्रोसेसर के ऊपर एक बार क्लिक करना होगा। प्रोसेसर कैसे डाउनलोड करना वो आप लोग को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो मिल जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके क्रॉप को छोड़ के बाकी सभी को गाइज यहाँ पर इसको मार्क करते हैं इस टाइप से। और अब सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं, और अब अपने फोटो पर एक बार क्लिक करके दोबारा से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर इसको हम लोग फेस सेटिंग कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा फेस के अंदर मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर टोन एंड यहाँ पर मतलब हमारा फेस के अंदर लाइटिंग आ चुका है। मैं आप लोग को बिफोर एंड आफ्टर का साथ दिखलाता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो गाइज हमारे फेस के अंदर मतलब लाइटिंग तो आ चुका है, बट हमारा मतलब फेस यहाँ पर हल्का सा स्मूथ हुआ है। तो मतलब फुल स्मूथ करने के लिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग मतलब एक मार्क्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मतलब थ्री डॉट के जस्ट बगल में है। मैं आप लोग को मार्क करके यहाँ पर दिखलाता हूँ, आप लोग यहाँ पर इस वाला ऑप्शन के ऊपर एक बार टैप कर दीजिएगा, और अब यहाँ से क्या कीजिएगा, प्लस वाला ऑप्शन पे एक बार क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग को इसको मतलब नीचे की ओर करेंगे तो थर्ड नाम पर आप लोग को मतलब ब्रश नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस वाला ब्रश के ऑप्शन पे एक बार आप लोग क्लिक यहाँ पर कर लेना है, और अपने दोनों फिंगर से फोटो को जूम करना है, और अपने मतलब फेस पर इस वाला ब्रश को इस टाइप से ड्रॉ करना है। आप लोगों को दिखलाता हूँ इस टाइप से ही करना है, देख ही सकते हो यहाँ पर आप लोग हो रहा है यहाँ पर। चलिए फटाफट यहाँ पर हम लोग करते हैं इसको इस टाइप से। सो गाइज कुछ इस तरह से मतलब अपने फेस के ऊपर इस वाला ब्रश को ड्रॉ करने के बाद अभी आप लोग गाइज यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को मतलब ऊपर की ओर करेंगे तो यहाँ पर मतलब इफेक्ट नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस वाला इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके सबसे पहले गाइज आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसके मतलब टेक्सचर को आप लोग फुल माइनस स्कोर कर लीजिएगा इस टाइप से, और अब यहाँ पर आप लोग क्वालिटी को हल्का सा इंक्रीज करना होगा, और अब यहाँ पर आप लोग का डर्जन नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाला ऑप्शन को आप लोग फुल मतलब माइनस स्कोर कर लीजिएगा, सॉरी हल्का सा कीजिएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हमारा फेस यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से स्मूथ हो चुका है, मैं आप लोग को दिखलाता हूँ। और अगर आप लोग अपने फेस में लाइटिंग वगैरह को और देना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग को मतलब ब्राइटनेस का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसके मतलब ब्राइटनेस को भी हल्का सा आप लोग बढ़ा सकते हो इस टाइप से, देख ही सकते हो यहाँ पर आप लोग को मतलब यहाँ पर क्या करता हूँ, फुल जूम करके फोटो को दिखलाता हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कितना बेहतरीन तरीके से हमारा फेस यहाँ पर स्मूथ हो चुका है केवल लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ही। तो अभी आप लोग आज यहाँ पर बोलोगे कि थंबनेल में जिस तरह का मतलब फोटो का यहाँ पर दिखलाया था उस तरह का मतलब फोटो का यहाँ पर बना ही नहीं, तो उस तरह का मतलब फोटो को बनाने के लिए सिंपल से आप लोगों को क्या करना होगा, शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और शेयर टू के ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाला फोटो को आप लोग को फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन करना होगा। मैं आप लोग का ऐप का लोगो यहाँ पर दिखलाता हूँ इस वाला ऐप के अंदर। तो जैसे ही आप लोग अपने फोटो को मतलब फोटोरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर करोगे तो आपका मतलब फोटो का बैकग्राउंड वन क्लिक के अंदर यहाँ पर रिमूव कर देगा, जो कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पर। वेल अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको मतलब नीचे की ओर करना है, तो यहाँ पर आप लोग को ब्लर नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाला ब्लर के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक यहाँ पर कर लेना है। और गाइस अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, इसको मतलब बैकग्राउंड के ऊपर सेलेक्ट करना है इस टाइप से, और यहाँ पे फिर से ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेकंड वाला ब्लर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और जितना ब्लर आप लोग रखना चाहते हो अपने हिसाब से यहाँ पर रख लीजिएगा। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, एडजस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसके टेम्प को हल्का सा, सॉरी इसके वर्म को हल्का सा आप लोग माइनस फोर इस टाइप से कर लीजिएगा।
देखिए सबको यहाँ पर जिस तरह का मतलब फोटो दिखलाया था उस तरह का मतलब फोटो यहाँ पर बन चुका है। और आप फोटो को सेव करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, स्केयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को आप लोगों गैलरी के अंदर सेव कर लेना है।